हाँ मेरा बच्चा, 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8। आइए जरा सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं, सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं हम अपनी रिवाइती। बचे हुए माल की एंट्री देखो, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लिखा हुआ होगा, देखो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लिखा हुआ होगा, देख लो लिखा हुआ है, आइए बस मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी एंडिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी एंडिंग कितना है बेटा, जल्दी से देख के बताओ। 2014 प्राइवेट पहली एडजस्टिंग करने जा रहे हैं, सवाल नंबर 8। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपका है एंडिंग 80,000, तो पहली एंट्री बना लो मेरा बच्चा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, ईयर बताना 2013 दिसंबर 31, 2013 दिसंबर 31 साल एंड हो रहा है आपका, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट। और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, ₹80,000, 80,000। दूसरा लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, ₹4,000 इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया है आपका, एक्सपायर्ड। ऊपर देखो प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है, एसेट है ऊपर, ऊपर एसेट है, नीचे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है, बगैर फर्क निकाले एक्सपेंस को बढ़ा दूं, बगैर फर्क निकाले एक्सपेंस को बढ़ा दूं, क्योंकि जब हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट होते तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट वाले को बढ़ा दो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट से, तो डायरेक्ट एंट्री बना दूं मेरा बच्चा, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कितना, डायरेक्ट एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से 4,000 से एंट्री पास कर दिया। चलो तीसरी एंट्री है रिवाइती बैड डेट की, बैड डेट एस्टिमेटेड 600, ना इधर देखो ना उधर देखो, फिलहाल फिलहाल जब मैं बैड डेट के एंट्री के रूल्स पढ़ाऊंगा ना, मतलब वो सिर्फ एंट्री के रूल्स हैं, कोई मतलब कोई एडजस्टिंग रूल्स नहीं है, वो एंट्री के रूल्स है, अगर ऐसे हो तो ऐसे कर लो, ऐसे हो तो ऐसे कर लो, कोई एडजस्टिंग के रूल है, क्लियर है, क्लियर यहां तक बात, मतलब ये एंट्री बनाने के रूल है। खैर अभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है ₹600 बैड डेट एस्टिमेटेड, डायरेक्ट एंट्री बनाओ, डायरेक्ट एंट्री बनाओ, डायरेक्ट एंट्री बनाओ, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट। अच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता ना तुम एंट्री जब बना रहे हो ना तो पेंसिल से लिख भी दिया करो, ये चीज इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, ये चीज बैलेंस शीट में जाएगी, ऐसे ना ऐसे ऐसे लिख लिया करो, ये देखो ये देखो ये देखो पेंसिल से लिख लिया करो, ये मैंने लिखा IS इनकम स्टेटमेंट, ये लिखा मैंने BS बैलेंस शीट, ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे, वैसे ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, एग्जाम में मत लिखना, सिर्फ मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहां तक बात, आवाज आ रही है सबको, बाजियों आवाज आ रही है सबको, चलो गुड है। बैड डेट कितना है 600। अब आ जाओ आपकी चौथी एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर इसको तो पढ़ते पढ़ते रगों में बैठ गई, अब तो ये जमाना हो गया भाई, किसी भी एक्सपेंस ऊपर देखो सैलरी एक्सपेंस लिखा होगा, देखो जल्दी देख लो ऊपर देखो सैलरी एक्सपेंस लिखा होगा, लिखा है, हाँ लिखा है सर, लिखा है बिल्कुल लिखा है, अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस लिखा और एडजस्टमेंट में अक्रूड अनपेड आउटस्टैंडिंग या पेबल लिखा हुआ आ जाए तो बगैर फर्क निकाले एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से एक्सपेंस पेबल की एंट्री पास करते हैं,
डायरेक्ट एंट्री पास कर दो, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और सैलरी पेबल क्रेडिट कितना कितना ₹4,000। चलो नेक्स्ट। आए हाय हाय, फिर रिवायती एंट्री आ गई, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटो स्टेट मशीन, ये सब हमारे इक्विपमेंट कहलाते हैं ऑफिस के, स्कैनर, ये सब हमारे ऑफिस इक्विपमेंट कहलाते हैं। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर 3000, डायरेक्ट एंट्री पास कर दो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, अलाउंसेस की जगह एक्यूमुलेटेड लिख लो, पता है क्यों लिख दो, पता है क्यों लिख लो, सुनो क्यों लिख लो, पूछो क्यों लिखो, पूछो क्यों लिखो, क्योंकि ऊपर ट्रायल बैलेंस में भी अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से लिखा हुआ है, तो एक ही बात है। देखो जरा ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप, तो मैं ये चाहता हूं कि दोनों एक ही बात जो है ना वो दोहराएं, अलग अलग ना करें, क्योंकि दोनों एक ही चीज है ना, सही है बेटा। तो मैं यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से क्रेडिट कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एक ही बात है, एक ही बात है। अमाउंट बताओ कितना है, 3000। अब आखिरी एंट्री देखो, आनंद का रूल पढ़ाया था मैंने, आनंद का रूल नंबर 2 है ये, अगर ट्रायल बैलेंस में आनंद लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में इनकम लिखा हुआ है, देखो रेंट ऊपर लिखो, आनंद रेंट लिखा हुआ है, आनंद रेंट ट्रायल बैलेंस में देखो लिखा हुआ है, और उसी के बारे में नीचे लिखा हुआ है रेंट अर्नड, रेंट अर्नड का मतलब है इनकम लिखा हुआ है, लिख लो, रेंट अर्नड का मतलब है इनकम लिखा हुआ है, लिख लो अपने पास। आखिरी वाले एडजस्टमेंट में देखो रेंट अर्नड का मतलब है रेंट इनकम लिखा हुआ है, रेंट अर्नड का मतलब है रेंट इनकम लिखा हुआ है। अबे सेल्स के अलावा इनकम आ जाए तो कहां ऐड होती है वो, इनकम स्टेटमेंट के आखिर में, याद है, याद है, सेल्स के अलावा कोई भी अदर इनकम आ जाए तो वो हमारे इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा तो है, लेकिन हम उसको शुरू में नहीं दिखाते, हम उसको एंड में ऐड करते हैं, याद है ना बातें, सर पढ़ाई भी बातें, सिर्फ आप थोड़ी थोड़ी सवालात करा रहे हैं, बस ये वो सवाल आज करा रहे हैं जिंदगी में आप, जिसके अंदर आनंद का पहला रूल आया है, मतलब आनंद का रूल आया है, पहला नहीं दूसरा आया है रूल, लेकिन आनंद का रूल आया है। मुझे बताओ ऊपर आनंद लिखा हुआ है, नीचे इनकम लिखी हुई है, डायरेक्ट इनकम को बढ़ा दूं, अब मुझे बताओ इनकम को बढ़ाऊंगा तो आनंद को कम करूंगा ना, ऑब्वियसली। ट्रायल बैलेंस बोल रहा है कि आनंद जो है वो 32,000 है, एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी आमदनी ₹8,000 हमने कमा ली, रेंट अर्न्ड हो गया है ₹8,000, आनंद से निकाल के इनकम में डाल दूं, जब डायरेक्ट नीचे कुछ लिखा हुआ हो तो आप डायरेक्ट नीचे वाले की बात मानेंगे, फर्क वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आनंद से निकालो इनकम में डाल दो, आनंद से निकालूंगा आनंद लायबिलिटी कम होकर डेबिट हो जाएगी, इनकम में डालूंगा इनकम रेवेन्यू में, रेवेन्यू बढ़ के क्रेडिट हो जाएगा, एंट्री देखो क्या बनेगी, आनंद रेंट डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्योंकि आनंद हमारी लायबिलिटी होती है 8,000, और रेंट इनकम क्रेडिट 8,000, आनंद से निकाला आनंद लायबिलिटी है कम होके डेबिट, इनकम में डाला इनकम रेवेन्यू है बढ़ के क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसकी नरेशन जरूर लिख लो, क्योंकि इसकी नरेशन लिखना भी जरूरी है, लिख लो, टू रिकॉर्ड रेंट अर्नड या टू रिकॉर्ड रेंट इनकम, ये भी लिख सकते हो, और अगर टू एडजस्ट नरेशन स्टार्ट करनी है, देखो एक होती है टू रिकॉर्ड जो हम रिवायती करते आए वो भी सही है, लेकिन अगर आपको टू एडजस्ट से करनी है तो आप क्या करेंगे, टू एडजस्ट अनर्न्ड इनकम, अनर्न्ड रेंट, आपने अनर्न्ड को एडजस्ट किया है और आपने रिकॉर्ड किसको किया है, रेंट इनकम, तो आप लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड
रेंट इनकम या टू रिकॉर्ड रेंट अर्नड, एक ही बात, टू रिकॉर्ड रेंट इनकम या टू रिकॉर्ड रेंट अर्नड। ऊपर अनंत लिखा हुआ है, नीचे इनकम लिखा हुआ है। डायरेक्ट इनकम को बढ़ा दो, इनकम को बढ़ा दिया क्रेडिट, अनंत को कम कर दिया, अनंत लायबिलिटी है, कम हो के डेबिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इनकम रेवेन्यू है, डायरेक्ट रेवेन्यू को बढ़ा के क्रेडिट और अनंत को कम करके डेबिट, क्योंकि अनंत लायबिलिटी होती है और इनकम आपका रेवेन्यू है। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चों? इनकम स्टेटमेंट बनाए आप? इनकम स्टेटमेंट बनाए? अच्छा ले बच्चियों, टाइमर आ गया आप लोगों की एलसीडी पे ना, मतलब आपकी स्क्रीन पे, तो एक और दफा कॉल करवा देता हूँ, वरना बीच में अगर इनकम स्टेटमेंट में ताल्लुक टूटा तो मसला होगा फिर। सही है, एक वीडियो एक कंप्लीट चीज की होनी चाहिए, सही है, उसके बाद दूसरी वीडियो दूसरी चीज की कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? तो दोबारा कॉल करवाना इनको, लड़कों को भी कॉल करो, दोबारा कॉल करो।